केजरीवाल जी, मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है, कोई तड़कता भड़कता हुआ डायलॉग मारिए ना। दिल्ली के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, मध्य प्रदेश एक मौका देके देखो, आपकी भी बिजली मुफ्त कर देंगे। अरे बिजली वाली, लेकिन आपने तो दिल्ली में बिजली महंगी कर दी और बिजली वाला ही डायलॉग सुना रहे। कोई बात नहीं, अब छत्तीसगढ़ में भी चुनाव आने वाला है, वहां भी कुछ डायलॉग सुनाइए ना, लेकिन कुछ बदलिएगा जरूर। दिल्ली में बिजली नहीं बनती, हम छत्तीसगढ़ से खरीदते हैं और फिर भी दिल्ली में फ्री में बिजली दे देते हैं। क्या कह रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ से बिजली खरीद के दिल्ली में मुफ्त देते हैं? लेकिन आतिशी जी तो कुछ और कह रही है, वो तो कह रही है कि दिल्ली में केंद्र सरकार के संस्थानों से बिजली खरीदनी पड़ती है और इसी वजह से महंगी करनी पड़ी। आपको यकीन नहीं होता, जरा खुद सुनिए ना। दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियां जो बिजली खरीदती हैं वो दो सोर्सेस से खरीदती हैं। नंबर वन, NTPC के थर्मल पावर प्लांट से ये बिजली कंपनियां बिजली खरीदती हैं। नंबर दो, दिल्ली के गैस पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट से ये बिजली खरीदती हैं। देख रहे हैं ना केजरीवाल जी, आप तो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ से खरीदते हैं और आतिशी जी कह रही हैं दिल्ली से खरीदना पड़ता है। खैर छोड़िए, राजस्थान में भी चुनाव है, कुछ वहां भी डायलॉग मारेंगे क्या, बता दीजिए। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। कांग्रेस के राज वाले राज्य में छोटा डायलॉग, अच्छा कोई बात नहीं, हरियाणा के लोगों से भी कुछ कहेंगे क्या? दिल्ली में केवल 24 घंटे बिजली नहीं करी, फ्री बिजली भी कर दी। किसी और राज्य में फ्री बिजली का वादा तो नहीं कर दिया, मसलन कर्नाटक में, अगर वहां भी कुछ किया हो तो बता दीजिए। जैसे दिल्ली में हमने बिजली फ्री की, ऐसे ही कर्नाटक में भी हम सबकी बिजली फ्री करेंगे। ओहो, कर्नाटक में भी दिल्ली मॉडल की झूठी कहानी परोस दिया, लेकिन जानते हैं वहां आपकी ही तरह जो झुंझुना है ना, वो देने वाले पहुंच गए, इसीलिए कांग्रेस की वहां जीत हो गई, क्योंकि जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा वही जीतेगा। लेकिन केजरीवाल जी, उत्तराखंड में तो आप कुछ और कहकर आए थे, सुनिए ना। जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी, 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। सुना है आपने उत्तर प्रदेश में भी यही रट लगाई थी। दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है और भाई साहब मुफ्त बिजली मिलती है। वैसे केजरीवाल ने गुजरात में भी यही काम किया था, लेकिन जानते हैं लोगों ने उनके मुंह के सामने ही नकार दिया। अगर आप भूल गए हो तो पिछले साल 4 जुलाई का राजकोट वाला ये वीडियो देख लीजिए। गुजरात के लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई, फ्री बिजली अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? वैसे केजरीवाल ने गोवा में भी मुफ्त की यही दुकान लगाई थी, ये भी आपको देखना चाहिए। दिल्ली में हम करके आए हैं, एक्सपेरिमेंट करके आए हैं, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, वही गोवा के अंदर भी करेंगे। जानते हैं दोस्तों, जो भी वीडियो मैंने आपको दिखाए ये सभी अलग अलग राज्यों के हैं। जब भी वहां चुनाव का माहौल हुआ, केजरीवाल पहुंच गए और बिल्कुल दिल्ली मॉडल की कहानी कि हमने मुफ्त कर दिया। लेकिन यहाँ तो कहानी बदल गई, बिजली की कीमत ही महंगी हो गई। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, मीडिया के सामने ये खुल गया है कि इन्होंने बिजली महंगी कर दी है, तो उन्होंने कहानी को एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश की है, एक नया एंगल देने की कोशिश की है, और आज के वीडियो में दोस्तों इसी को डिकोड कर रहा हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। केजरीवाल हर जगह जाकर दिल्ली में मुफ्त बिजली देने की बात कहते हैं, दिल्ली मॉडल का ढोल पीटते हैं। ऐसे में जब ये खबर आती है ना दोस्तों कि दिल्ली में बिजली महंगी हो गई है, तो यकीन मानिए पूरी दुनिया के सामने, जहाँ भी लोगों का भारत में इंटरेस्ट है या भारतवंशी रहते हैं या इस देश के लोग, सब में ये एक बात, एक उलझन पैदा होती है कि ये क्या चक्कर है यार, वो कहते हैं कि बिजली सस्ते, बिजली मुफ्त बल्कि दिया जा रहा है, तो अब बिजली महंगी हो सस्ती हो उससे क्या लेना देना, और क्यों ये एक मुद्दा बन जाता है। तो आज दोस्तों इस कहानी को जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा कुछ बयान आपको सुनाना बहुत ज़रूरी है। आप याद रखिए, अक्टूबर 2009 में 2020 में बल्कि केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा दावा किया था कि दिल्ली देश का अकेला ऐसा राज्य हो गया है जहां कोई थर्मल पावर स्टेशन नहीं है।
मतलब इसका ये हुआ दोस्तों कि जो बिजली कोयले से बनती है उसे थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं, वहीं पे ये बनती है। और केजरीवाल सरकार ये दावा कर रही थी कि दिल्ली में अब कोई थर्मल पावर स्टेशन बचा ही नहीं, हालांकि ये इनकी देन नहीं थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डंडा था, तो इन्होंने सारे थर्मल पावर स्टेशन बंद कर दिए और ये दावा किया। तो आप पहले वो दावा सुनिए। दिल्ली देश में अकेला ऐसा स्टेट है जहां पर कोई भी थर्मल पावर स्टेशन नहीं है। जानते हैं, ये बयान जो है 13 अक्टूबर 2020 का है जहां से मैंने उठाया है, लेकिन 2 साल में इस झूठ की पोल खुल गई। अब सुनकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी ये कह रहे थे ना कि कोई थर्मल पावर स्टेशन नहीं है, लेकिन 2 साल बाद 2022 में, अप्रैल 2022 की बात बता रहा हूँ, कोयले का नाम लेकर केजरीवाल पूरे देश को डराने लगे। ये कहने लगे कि हमारे पास कोयला ही नहीं बचा है, सारी बिजली खत्म हो जाएगी, हम लोगों को बिजली कैसे देंगे, ये कहकर डराने लगे। जहाँ कोई थर्मल पावर स्टेशन ही नहीं है वहाँ कोयले को लेकर डराने लगे। आप पहले बयान सुनिए। आज काफी सारे प्लांट्स के ऊपर एक दिन से भी कम का कोयला बचा है। सिर्फ डराने नहीं लगे, मैंने आपको दोनों एक ही मंत्री का बयान दिखाया दोस्तों। अब तो ये जेल में सत्येंद्र जैन ऊर्जा मंत्री रहे हैं, 1-2 साल पहले बोले कोई बचा ही नहीं थर्मल पावर स्टेशन, 2 साल बाद हल्ला करने लगे। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं बल्कि केजरीवाल ने भी डराने का पूरा प्रयास किया, प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख दी। लेकिन आप बताइए दोस्तों, क्या दिल्ली में कोई ब्लैकआउट हुआ? क्या कहीं देश में कोयले की कमी की वजह से कोई किल्लत पैदा हुई? आप सोचिए किस प्रकार से डराया गया। अब इसी कहानी का अगला सिरा आपको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। अभी जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो समझिए। दिल्ली में बिजली महंगी हो गई है, ये मुफ्त का मॉडल है। मुफ्त के मॉडल में बिजली महंगी हो सस्ती हो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन महंगी हो गई। और 10% तक जो लोगों के बिल आएंगे ना, अब महंगे आएंगे। क्यों हुआ ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने बिजली वितरण कंपनियों को दाम बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब यहाँ तो मामला फंस गया, यहाँ तो एक लोचा पैदा हो गया। अब केजरीवाल सरकार की जो आदत है उसी आदत के अनुरूप इसने काम किया, इसने सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। पहले भी होता रहा, कुछ भी हो जाए दिल्ली में, कानून व्यवस्था कुछ भी, ऑक्सीजन जो भी हो जाए, इनके पास कुछ काम नहीं है सिवाय दोष देने के। तो इस मुद्दे पर भी जो वजह बताई गई, अब मैं आपको आगे लेकर जा रहा हूँ कि जो वजह बताई गई वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप पहले इनके मंत्री का बयान सुनिए। इस 10% ब्लेंडेड इंपोर्टेड कोल के आदेश से आज देश भर में बिजली महंगी हो रही है। देख रहे ना, बिजली के दाम बढ़े हैं दिल्ली में, पूरे देश का नाम लेकर रोना रो रहे हैं। ये खुद को दिल्ली का मंत्री नहीं मानते हैं, जैसे ये पूरे दुनिया का मुख्यमंत्री बन गए, भारत के मुख्यमंत्री बन गए, वैसे ये दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे भारत की मंत्री बन गई, पूरे भारत का रोना गाना कर रही हैं। लेकिन आपने इनकी इनके बयान पे ध्यान दिया दोस्तों, 10% ब्लेंडेड इम्पोर्टेड कोल के आदेश की वजह से ये दाम बढ़ा है। अब ज़रा इनके झूठ का लेवल देखिए। 14 अक्टूबर 2020, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, फिर से आपको दिखा रहा हूँ। 3 थर्मल पावर स्टेशन दिल्ली सरकार के पास थे और तीनों बंद कर दिए गए, और तभी ये दावा ठोका गया कि दिल्ली देश का अकेला राज्य है जहाँ कोई थर्मल पावर स्टेशन नहीं है। और इतना ही नहीं दोस्तों, केजरीवाल जी जब रायता फैलाते हैं तो पूरा फैला देते हैं ना। जब इन्होंने अपना बंद किया, जो कि ये लग नहीं रहा है क्योंकि अब तो कोयले की बात हो रही है ना, केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार को भी कहा कि हमने बड़ा महान काम किया है, 3 थर्मल पावर स्टेशन हैं और तीनों बंद कर दिए, आपके पास दिल्ली NCR में 11 थर्मल पावर प्लांट हैं, सबको बंद कर दीजिए। आप देख लीजिए, अब जरा सोचिए दोस्तों, कोयले के दाम बढ़े या घटे दिल्ली को तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्यों पड़ता? क्योंकि सारे थर्मल पावर स्टेशन तो बंद हो गए। इसका मतलब है कि आज जब दाम महंगे हुए हैं और इसकी वजह कोयले को बताई जा रही, तो इसका मतलब साफ है दोस्तों, या तो उस समय सत्येंद्र जैन और केजरीवाल झूठ बोल रहे थे, या इस समय आतिशी मार लेना और केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं। दोनों में केजरीवाल सरकार ही कॉमन है, यानी सरकार उस समय झूठ बोल रही थी या फिर इस समय झूठ बोल रही है।
अब दिल्ली में जो बिजली की कीमतें बढ़ी हैं दोस्तों, इसके बाद आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल सरकार ने जो वजहें बताई हैं उससे सब कुछ साफ हो गया। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को भी हमला करने का मौका मिल गया, और वो कह रही है, सवाल पूछ रही है कि आप तो मुफ्त की बात करते हैं, आपने तो कीमत बढ़ा दी, और ये चेतावनी भी दे दी कि अगर ये बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं ली गई तो फिर आंदोलन किया जाएगा। लेकिन अब मैं आपको दोस्तों इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी दिखाता हूँ, डिफरेंट पक्ष आपको दिखा रहा हूँ। दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार के कुप्रबंधन के कारण कोयला महंगा हो गया, कुप्रबंधन के कारण। लेकिन सवाल तो ये है दोस्तों कि समय के साथ हर चीज़ महंगी होती चली जाती है, लेकिन कोयला का स्टॉक तो डिफरेंट है, ये तो ख़त्म हो रहा है। मैंने ये भी बयान सुना आतिशी जी का कि कोयला तो अब भी उतना ही है, अब भी उतना नहीं है, मैं वो भी बयान आपको कभी सुनाऊंगा। लेकिन कोयला तो ऐसी चीज़ है जो कम होती जा रही है, उसकी कीमतें बढ़ना भी स्वाभाविक है, और ऐसे में दोस्तों जो बिजली कंपनियां हैं उसका भी खर्च बढ़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। महंगाई तो हर जगह होती ही है, और इन्फ्लेशन रेट के बारे में तो ये माना जाता है कि अगर एक निश्चित दर में ये चीज़ें बढ़ती हैं तो वो विकास का संकेत भी होती हैं। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक से महंगाई दर काफ़ी बढ़ जाए। लेकिन अब मैं आपको एक डिफरेंट चीज़ दिखाता हूँ। अभी 3 महीने पहले की बात है, केजरीवाल जी ने इसी बात को कहते हुए कि हम लोगों की सैलरी कम है, अपने सारे विधायकों की सैलरी, बल्कि सबकी सैलरी दिल्ली के विधायकों की, जिसमें अधिकतर तो उन्हीं के हैं, 54,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपये कर दी। जानते हैं कितना परसेंट का इजाफा? 66% का इजाफा। अब वो ठीक है, ये अपने विधायकों की सैलरी बढ़ा दे खुद से ही, वो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के खर्चे नहीं बढ़ने चाहिए। और जानते हैं विधायकों की तो 66% सैलरी बढ़ाई गई ना, मुख्यमंत्री जी ने खुद की अपनी सैलरी 136% बढ़ा ली। आप सोचिए, बाकी जाए दुनिया एकदम से गड्ढे में, अपना बढ़ना चाहिए, अपना माल बढ़ना चाहिए, और यही उनके बंगलों में भी दिखता है दोस्तों। अब ज़रा हकीकत को ध्यान से समझिए। दरअसल केजरीवाल मुफ्त का जो झुनझुना पूरे देश में बजा रहे थे, वो दिल्ली में ही ध्वस्त हो चुकी है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आप ध्यान से समझिए। खुद केजरीवाल ने पिछले साल एक अक्टूबर को ये कहा था कि मुफ्त बिजली की योजना को बंद कर दिया गया है। बड़े ध्यान से देख लीजिए, दिल्ली में 1 अक्टूबर से बंद होगी फ्री बिजली मिलना, ये केजरीवाल ने कहा है। यानी केजरीवाल ने ऐसा नियम बनाया कि अब आपको गुहार लगानी पड़ेगी, भीख मांगनी पड़ेगी, अगर आप ध्यान से समझिए तो, बोलना पड़ेगा कि मुझे मुफ्त में बिजली चाहिए। और इस प्रकार से केजरीवाल जी ने दिल्ली में ऐसा इंतजाम कर दिया कि आधे लोग मुफ्त बिजली की स्कीम से बाहर हो गए। कुछ लोगों ने तो छोड़ दिया होगा, चलो उनको नहीं चाहिए, कुछ लोग शर्म से अप्लाई नहीं किया होगा, कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे, कई सारी रीजंस हैं। और कहीं मैं देख रहा था दोस्तों कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया तो उनको मिला नहीं, हो सकता आप वो जाएंगे तो मिलने लगे। लेकिन आप सोचिए परेशानी दिल्ली वालों की कितनी बढ़ गई है। और याद रखिए दोस्तों, केजरीवाल सरकार दिल्ली में बिजली महंगी करने के बाद जो आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही, अब आप पंजाब की हालत को देखिए, पंजाब की कहानी कुछ और ही है। यहाँ पर बिजली के दाम बढ़ाने के लिए जालंधर के चुनाव का जो बाईपोल हुआ था ना, उसका इंतज़ार किया गया। अगर कोयला महंगा हो गया तो पूरे देश में महंगी होनी चाहिए बिजली, लेकिन पंजाब में बहुत पहले हो गए, और उसके लिए भी जालंधर के चुनाव का इंतज़ार किया गया। तो कहानियाँ अलग अलग है, जो रीज़न है वो अलग अलग है, पर्सपेक्टिव अलग अलग है, बस एंगल को अपने हिसाब से इन्होंने मोड़ लिया है। शायद इसीलिए केजरीवाल जो गारंटी देते हैं और जनता को धोखा दे जाते हैं, घोटाले कर जाते हैं, उस पर मोदी जी ने भी आज एक गारंटी दे दी है। जो मैंने कहा ये केजरीवाल की गारंटी है, ये कैप्टन के वादे नहीं है। आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है,
वो शायद शब्द आपके कान पर भी आया होगा। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है वो शब्द है गारंटी। बार बार शब्द आता है गारंटी। भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है। जानना चाहिए ना भाई, ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटाले बाज पर कार्रवाई की गारंटी। तो कुल मिलाकर दोस्तों, केजरीवाल भारतीय राजनीति के एक ऐसे घाघ खिलाड़ी बन चुके हैं जो बाकी नेता या बाकी राजनीतिक दल दशकों के अनुभव के बाद ऐसा करते हैं, वो अभी से करने लगे। राजनीति का ऐसा शातिर खिलाड़ी बन चुके हैं कि बाकी लोग पानी मांगने लगे, दाम ये बढ़ाते हैं और खुद ही से हल्ला करने लगते हैं कि केंद्र सरकार की वजह से बढ़ गया है। तो ये परसेप्शन का खेल केजरीवाल खेलते हैं। लेकिन दोस्तों, केजरीवाल को पता नहीं कि जो जनता चुपचाप किसी भी व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर पहुंचा देती है, वो समय आने पर उसे शिखर से शून्य पर भी ला सकती है, वो शून्य पर पहुंचा सकती है। और यही बात जो है उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वरना आने वाला समय उनको ये दिखाएगा कि जिस तरीके से उन्होंने जनता को ठगने का काम किया है, अगर जनता अपने ऊपर आ गई तो केंद्र, जो लोकसभा का चुनाव होता है वो तो छोड़ दीजिए, विधानसभा में भी अगर वो शून्य पर सिमट जाएं तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।